मैं इस फिल्म में पहली बार बहुत ही सीरियस किरदार निभा रही हूँ, जिस जो मुंबई शहर में अकेली लड़की रहती है, उसका उसके बॉयफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, हार्ट ब्रोकन है, इमोशनल है, मिस्टीरियस है, तो या नाम भी बहुत प्यारा है, कोयल. सो आई लव्ड प्लेइंग द कैरेक्टर. इतनी रात को एक अकेली लड़की बार में मिलती है, साथ में डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है और अब कहती है कि रहने को जगह भी नहीं है. तुम आज रात मेरे साथ सो सकती हो. मुझे खास बात फिल्म की स्क्रिप्ट लगी, बिकॉज ऐसी फिल्म को लिखना भी बहुत मुश्किल है. बिकॉज आई थिंक इस फिल्म का अगर आप एक सीन भी मिस करेंगे ना, तो आपको पूरी फिल्म समझ में नहीं आएगी. सो यू हैव टू बी हुक्ड ऑन, बिकॉज इसमें सीन सारे आगे पीछे होते रहते हैं. दिस प्रेजेंट, दिस पास्ट, दिस फ्यूचर, ऑल टुगेदर इन द फिल्म. तो शूट करते वक्त भी बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज एक सीन को हमको दो दो बार करना पड़ा था, अलग अलग पर्स्पेक्टिव से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिसने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया है. ये मैंने जानबूझ के नहीं लगाया. आई स्वेयर मैंने इस तरह की फिल्म कभी नहीं देखी है. मैंने देखी. वही तो, यही तो चैलेंज है मेरे लिए कि मैं अपने ऐसे दांत ना दिखाऊं, कोई जोक ना मारूं और पहली बार लाइफ में सीरियस हूं. सो आई रियली एंजॉयड चैलेंजिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर टू बी सीरियस इन द फिल्म. सेट पे तो मतलब ऐसा था जैसे पार्टी टाइम था. मेरा कोई रोने का सीन हो, उसके पहले हंस हंस के हम लोग पागल हो रहे थे, हंस हंस के आंसू निकल रहे थे. उसके बाद डायरेक्टर मतलब जैसे ही एक्शन बोले तो एकदम सीरियस होना पड़ रहा था और सारे मुझे घूर के देख रहे थे कि मोना सीरियस हो गई. सो आई रियली मिस्ड, जब 20 दिन के बाद शूटिंग खत्म हुई तो आई वॉज रियली मिसिंग ऑल ऑफ देम, क्योंकि हमने 20 नाइट लगातार फिल्म में शूट किया था बगैर थके हुए. सारे के सारे फ्रेश दिखते थे, घर से खाना आता था, सबके पार्टी होती थी. सो इट वॉज गुड फन शूटिंग. जानू ना जानू मैं तो जानू ना, जानू ना जानू मैं तो जानू ना, जानू ना जानू मैं तो जानू ना. फिल्म में ऐसे अगर आप देखें तो ज़्यादा गाने ऐसे पिक्चराइज नहीं किए गए हैं, सारे गाने बैकग्राउंड में ही हैं. जो मेरा फेवरेट गाना है दैट इज़ डेफिनेटली द टाइटल ट्रैक, बड़ा ऊट पटांग है. आई थिंक इट्स वेरी कैची, बीट्स बहुत अच्छी हैं, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं. सो आई थिंक बहुत जल्द मेरी कॉलर ट्यून में वो गाना आप सुनेंगे. जो हमारे डायरेक्टर हैं वो साउथ से हैं, श्रीकांत. तो मुझे नहीं पता था कि साउथ में लोग लड़कियों को ऐसे ही आमतौर पर माँ बोलते हैं. तो जब मैं कैमरा के सामने खड़ी थी तो उन्होंने बोला, कैमरा रोलिंग, एक्शन, माँ. तो मैं उनको देख रही हूँ, मैंने कहा मुझे माँ क्यों बोल रहे हो आप? तो बोले, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, साउथ में लड़कियों को माँ बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. तो मैंने कहा, ओह अच्छा. तो फिर ऐसी हमारी केमिस्ट्री जमी डायरेक्टर और मेरी कि आज भी हम दोनों एक दूसरे के फ़ोन पर माँ ही बोलते हैं. मैंने उनका नेम भी माँ बोल के स्टोर किया हुआ है अपने फ़ोन पर. आई थिंक इज़ द फनीएस्ट एंड द स्वीटेस्ट गाय.